कुमाऊं में लगातार तीन दिनों से हुई तेज बारिश के कारण आपदा जैसे हालात बन गए हैं, जिसके बाद पूरे कुमाऊं में बिगड़े हालातों को लेकर सीएम धामी प्रभावित इलाकों में जाकर स्थलीय निरीक्षण कर रहे। बता दें कि जिसके तहत ही मंगलवार को मुख्यमंत्री अपने कुमाऊं भ्रमण के दौरान हल्द्वानी पहुंचे, जहां उनके द्वारा अतिवृष्टि के कारण प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण भी किया गया और हालातों का जायजा लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो ज्यादा से ज्यादा राहत, ज्यादा से ज्यादा सहायता पहुंचानी है, उनकी सहायता करनी है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है, उन सब कामों के लिए कहा गया है। सभी अलर्ट मोड में रहें और जो भी जरूरी हो उस काम को करें। अभी सभी को चूंकि कहा गया है कि आपदा राहत के काम को प्राथमिकता से लें, जो सड़कें हमारी कट गई हैं या संपर्क टूट गया है उनका संपर्क स्थापित करें, जहां भूस्खलन हो गया है, मलबा आ गया है, जहां संपर्क नहीं हो पा रहा है, पुल बह गए हैं, वहां पर कुछ वैली ब्रिज भेजे जा रहे हैं, उन सबको हमारा पूरा प्रयास है कि सबसे पहले जो है हमारा जो जनजीवन जो काफ़ी प्रभावित हुआ है वो सामान्य।